उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ, डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पृथक एंड अदर बीजेपी लीडर्स पे अ फॉरल ट्रिब्यूट टू द डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी. उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ सेज टुडे इज द बलिदान दिवस ऑफ द डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, अ ड्रीमर ऑफ द यूनाइटेड इंडिया. We all know that India became independent in 1947 after the implementation of the constitution in 1950. Then the Congress-led government made an attempt to cause a serious damage to the national integrity by adding Article 370 to the constitution. Keeping in the mind these in terms of the government, Dr. Shyam Prasad Mukherjee, who was serving the country as the Ministry of Industry and Supply, left his post and started a massive movement for the prestige of the country, for the integrity of the country, to remove Article 370 from Kashmir. He had to sacrifice his life for the Kashmir Satyagraha, a campaign that he started with the thousands of workers, Bharatiya Jana Sangha. The dream of Dr. Shyam Prasad Mukherjee is coming true today under the leadership of PM Modi by abolishing Article 370 in Kashmir. मित्रों, भारत माता के महान सपूत प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज पावन बलिदान दिवस है. एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, इस मुद्दे को लेकर के 23 जून 1953 को भारत की अखंडता को लेकर के उन्होंने अपना बलिदान दिया था. हम सब जानते हैं 1947 में देश आजाद होता है, 1950 में भारत अपना संविधान लागू करता है और संविधान के लागू होने के बाद तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने देश के संविधान में धारा 370 जोड़ करके राष्ट्रीय अखंडता को गंभीर चोट पहुंचाने का उचित प्रयास किया था. तत्कालीन सरकार की इन मंशाओं को ध्यान में रख करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस समय की